is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Hello everyone, welcome back again to another video of my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. So hey guys, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है और मेरे साथ है आज दीपक सर, मतलब हम दोनों ही अभी आया हुआ है स्कूल पे और एक क्लास करने जा रहा हूँ मैं अभी, और अभी दीपक सर का भी एक चैनल है तो मैं लिंक दे दूंगा और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बोलो, मतलब आज क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो चलते हैं आज। गाड़ी का तेल भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लगा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट कर देते हैं, और बारिश नहीं है। और तो चलिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जो कुमार है हिंगलापुर का, देख सकते हैं ये यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। और ये तो हीरो है रे, बाजार का हीरो, यहाँ पे क्या कर रहा है? हम लोग ये रहा हो जाए पब्लिक स्कूल, उसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं रामपुर की तरफ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का मतलब हम लोग का काम जो है वगैरह जो होता है सब रामपुर की तरफ होता है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रामपुर चरिया, जहाँ पे फुस्का वगैरह मिलता है, और वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर खाते रहते हैं, आटा बाटते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं यही है, यही जो जगह है सब जहाँ पे उसका वगैरह मिलते हैं, पकौड़ा वगैरह भी आजकल मिलने लगा है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद और यहाँ पे मतलब बहुत काशी वासी मांगकर भी काटता है यहाँ वाला दुकान पे भी, बाकी सब बंद है क्योंकि बहुत सुबह है अभी। और मेरे साथ आया हुआ है, देख सकते हैं कौन है, इधर इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर से दिखाई देगा, देखो ये कौन है। और अभी थोड़ा स्पीड में चलते हैं, मेरा वीडियो आप यहाँ से बंद कर देते हैं थोड़ा। A few moments later. Hey guys, so आज पूरा खाली खाली नजर आ रहा है, बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा है। एक देखो 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 देखो, जैसे बकरी बकरी सब आते हैं ना वहाँ, इसलिए उतना ज्यादातर। और यहाँ पे देख सकते हैं सिमाला माता, और ये सबसे बड़ा मंदिर है बोल सकते हैं सिमाला माता का रामपुर में। सब लोग देख रहे हैं, मतलब मेरा मोबाइल लगा के जा रहा है ना सब लोग के लिए, कोई कोई तो गोप्रो लगा के जाते हैं और मैं तो मोबाइल लगा के कर रहा हूँ, तो वही देख रहा है कि हेलमेट में क्या कर रहा है मोबाइल चिपका के, ठीक ही नहीं ब्रदर। और अभी मुझे जाना है लेक की तरफ, और ये जगह तो सभी लोग को दिखाते रहता हूँ मैं, देख सकते हैं वो एक अच्छा काम कर दिया है, रावी लगा दिया है जहाँ पे बारिश होने से मतलब पानी रहता है, भूखा रहता है, तो उसमें लगा दिया गया है। अभी आ चुके हैं हम लोग, लोडिंग हो रहा है यहाँ पे तो गोदाम रहता है, और देख सकते हम लोग का गीतावली आ चुका है। तो आज एक्चुअली यहाँ पे हर रोज पानी रहता है, आज नहीं रहे तो मतलब हम लोग जल्दी आ गए थे, नहीं नहीं ठीक ही टाइम पे आया हुआ है। और यहाँ पे है गीता मंदिर, आप देख सकते हैं गीता मंदिर, पूजा गीता मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण स्कूल का गेट, धन्यवाद आपको आई वो। अब
और अभी हम लोग मैं भी यहाँ पे है मेरा अंकल का दुकान, और यहाँ पे अभी मेरा भाई उतर के जाएगा, ये देखो जा रहा है, वो अभी दुकान खोलेगा, अंकल आने तक वो अकेला काम करेगा। और यहाँ पे देखो RFC भी है, यहाँ पे हम लोग टिकट वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे भी स्कूल, और यहाँ पे मतलब एक बड़ा सा होटल है, सिंगारा खाया था पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला होटल, और भगवान की। और अभी मुझे जाना है चाय चाट की तरफ, हर रोज जहाँ पे जाते हैं डांगोरी बारिया रोड, तो उसी में आ गए हम लोग। इस राम धुली 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 पाउडर, फ्री में पाउडर लगाने का मिल रहा है। इस राम लड़के लोग देखो, राम फ्री में पाउडर लगाने को मिल रहा है। तो आते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे कह रहे तेल खत्म होने वाला है गाइस, देख सकते हैं पैसा वैसा नहीं है, थोड़ा लाइक टाइक शेयर कर दीजिएगा, तो बाहर में घूमने जाएंगे और अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, उसके लिए यही है, यहीं पे मतलब जाना था आज का काम, ये घर पे। सो अभी मैं उतर के गेट खोल लेता हूँ पहले। सो उसके बाद खोल लेता हूँ। तो अभी मेरा बाइक देख सकते हैं, सुबह खाना जा रहा पूरा हालत खराब करके रखा गया है। पूरा हालत खराब है यार, इसको अंदर करके रखना पड़ेगा। Much later. So hey guys, अभी घर में आ चुका हूँ अभी। So अभी घर में आके मैं थोड़ा पत्थर की तरफ आया हुआ हूँ, तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे बच्चे लोग शायद नहा रहा है। ओके, मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कौन कौन नहा रहा है। तो मैं भी नहाया था, मैं मतलब पहले वाला ब्लॉग में, मतलब जब कोठिया उठाने वाला ब्लॉग एक डाला था, तो उसने मतलब मैं भी नहाने के लिए गया था उस पोखरी पे। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन नहा रहा है, ठीक है? तो चुपचाप रहिए। ये देख सकते हैं ये वाला, Hold me close till I get up. Time is better. तो अभी मैं पत्थर पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन है। सो एकदम ग्रीन ग्रीन है, और मम्मी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा सूख गया है, मतलब पानी नहीं है ना, और यहाँ पे बचरा वो हो गया है। सो इसलिए मैं पत्थर में आया था थोड़ा। तो देख सकते हैं मेरा मम्मी है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इसके बीच में मतलब आजकल आराम से जा सकता है, कुछ मतलब बुका होने का मतलब कुछ चांस ही नहीं है कि पूरा सूख गया है, देख सकते हैं आप लोग। सो क्या होगा इस बार का जो धान का खेती है। सो आप लोग भी, आप लोग कभी धान की खेती है तो बताइएगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारा बड़ा बता रहा है यहाँ पे, तो ये सब खेती क्या होगा, मतलब बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा बारिश होने से अच्छा है, बारिश तो ऊपर में तो है लेकिन गिर नहीं रहा है। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है, तो पता नहीं। और देखो मम्मी बहुत काम कर रहा है यहाँ पे। सो क्या करूँ, क्या बोलूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ब्लॉग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और देखते हैं।
सो है गाइस, थोड़ा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखो, एक बार में ऐसा इतना सारा आ गया, मतलब बहुत सारा उग चुका है घर में। ये देख सकते हैं आप लोग, मम्मी ने मतलब बहुत सारा मतलब कलेक्शन कर लिया, और ये फिर मतलब गाय को भी खिला सकेंगे अभी। सो देख सकते हैं, मेरा मम्मी है, ये काम कर रहा है। क्या बोलूँ। सो अभी मुझे थोड़ा काम निकल चुका है तो मुझे जाना पड़ेगा। सो मम्मी भी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। और क्या बताऊँ, वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार जा रहा है। एक दिन खरीदूँगा कार, फोर व्हीलर सोच रहा हूँ, लेकिन एक नौकरी चाहिए अच्छा वाला, जिससे मतलब थोड़ा ज़्यादा सेविंग्स कर सके। सेविंग्स के बिना ये सब मतलब नहीं होगा। सो बहुत कुछ सपना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा सब, देखते हैं समय आने से।